आपातकालीन की बरसी को बीजेपी ने काला दिवस के रूप में मनाया। इसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने निजी स्वार्थों के लिए इंदिरा गांधी ने अदालत और जस्टिस के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक कर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और देश के साथ मीडिया की आज़ादी छीन ली थी। आपातकाल के ऊपर हम प्रतिवर्ष इसको स्मरण इसलिए करते हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई, एक लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई, उसको देश को स्वतंत्र किया गया। दूसरी लड़ाई कांग्रेस के उस तानाशाही स्वरूप से देश को मुक्त कराने की थी, जो इंदिरा जी ने अपने निहित स्वार्थों के चलते अदालत के आदेश को, जस्टिस जगमोहन का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, रद्दी की टोकरी में फेंक कर अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए लोकसभा का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ा लिया।